नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और तमाम दरभंगा वासियों को अभी का ये खबर देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा है जो लगातार अभी लगे हुए हैं क्योंकि इनके कंधों पर जिम्मेवारी है हजारों लोगों के जीवन की रक्षा करना और किस तरह कार्य कर रहे हैं दिन रात परिस्थिति में इस पर देख करके किस तरह की अभी की प्रेजेंट स्थिति में आइसोलेशन की क्या स्थिति है। आइसोलेशन में लगभग अभी 67 पेशेंट एडमिट हैं और 6-7 पेशेंट आईसीयू में भर्ती हैं और आइसोलेशन में लगभग 50% पेशेंट हल्का माने माइल्ड सिम्टम पर हल्का ऑक्सीजन ले रहे हैं और कुछ लोग बाई पाइप पर हैं। तो स्थिति जो एक महीने पहले हम लोग एकदम नॉर्मल हो गए थे, एक पर चले आए थे आइसोलेशन में और एक महीने तक हमारा आईसीयू मिल रहा, हम लोग सोचे भी नहीं थे जो इस तरह का सर्ज होगा कोरोना का। अब तो बहुत और ऑक्सीजन सब लोग ज़्यादा पेशेंट 50% ऑक्सीजन खोज रहे हैं, उसके लिए हम लोग एकदम प्रयासरत हैं। यहाँ भी एक गुप्ता एयर एजेंसी है उससे टैग किए हैं, जब सिलेंडर खाली होता है वहाँ भेजते हैं तुरंत और तुरंत भरवा कर भिजवा लेते हैं। मुजफ्फरपुर जो पहले से दे रहा था उस पर भी कड़ाई किए हुए हैं, तुम जितना हमारा डिमांड है उसको फुलफिल करो, और प्रेफर दे रहे हैं हम लोग गुप्ता एजेंसी को जो यहाँ से जल्द हमारा नज़दीक है जल्द से जल्द ऑक्सीजन मिल जाए जो पेशेंट का प्राण हम लोग रक्षा कर सके। अभी आपने प्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया है डीएमसीएच के पास? तो बहुत कम गायनी के लिए बना हुआ था, गायनी यूटी के लिए 20-25 सिलेंडर बड़ा और 40-50 लगभग छोटा सिलेंडर, लेकिन उसका भी आज हम लोग 10-12 सिलेंडर टेस्ट किए हैं। उससे भी अभी फिर गर्मी उसमें ज्यादा रहा था, एग्जॉस्ट पंप लगवा रहे हैं, फैन लगवा रहे हैं, इसका भी हम उपयोग करेंगे। और दिक्कत है जो ऑक्सीजन की खपत केवल कोरोना में ही नहीं, यहाँ आइसोलेशन में जिसको एचडीयू कहते हैं, आईसीयू में जो गंभीर पेशेंट हैं, एक बड़ा जंबो सिलेंडर आधा घंटा में खत्म हो जा रहा है। 400 सिलेंडर रोज हमको जरूरत है, पेशेंट बढ़ने पर उससे भी ज्यादा है। औसतन एक पेशेंट को कितना लग जाता है इस्तेमाल? पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है, कोई निर्णायक ही नहीं है। पेशेंट का स्थिति जैसा होगा ऑक्सीजन की खपत वैसी होगी, इसका कोई हर घंटे में चेंज करते रहता है स्थिति। अच्छा, आइसोलेशन के अंदर क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत से अभी लोग ये जानना के चाहते हैं। सारी व्यवस्था है, पेशेंट जैसे जाते हैं उसको हाइजीनिक किट मिलता है, पानी मिलता है, खाना मिलता है उसको। अब तो नर्सिंग स्टेशन भी ऊपर करवा दिए हैं, सेकेंड फ्लोर पर, नीचे से नर्स लोग भी जिस फ्लोर पर पेशेंट हैं उसी पर बैठती हैं, उनको सुई दवा पड़ रहा है, उनका मॉनिटरिंग हो रहा है, डॉक्टर लोग हर शिफ्ट में राउंड दे रहे हैं, दिन रात इसी में लगे हुए हैं। अभी आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि इमरजेंसी भी देखना है और जनरल यूनिट भी है जो और भी अलग विभाग उनको भी देखना है, वहाँ उधर क्या हालत हो? उधर की भी हालत हम लोग देख रहे हैं। पहले से हमने दिया है कि इमरजेंसी पेशेंट को ही रखा जाए, नॉर्मल पेशेंट केवल आकर और इन्फेक्टेड न हो जाए, उस पर भी हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। क्या है कि अटेंडेंट आवेंगे पेशेंट के साथ, फिर वो घर जाएंगे, फिर क्रॉस इन्फेक्शन लगावेंगे समाज में, इसलिए जो सीरियस पेशेंट है उन्हीं को देखा जाए। कोरोना आईसीयू नया बनाना था, 25 उसमें लगे हुए हैं, कुछ आईसीयू बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, हम लोग एक हफ्ता से लगे हुए हैं। कल एक O2 सेंसर आने की केवल आवश्यकता है, वो कल चली आवेगी, उसके बाद हो सकता है जितना जल्द हो आइसोलेशन आईसीयू हम स्टार्ट करवा दें। अच्छा, आइसोलेशन के बारे में, पहले आपका सर्जरी जिसमें अभी सर्जरी शिफ्ट है उसमें पहले आइसोलेशन वो भी था, तो वहाँ अब कैसे होगा? 120 बेड है आपके पास? 100 बेड पहले से ही, 100 बेड है, 100 बेड का है वो, तो केवल आइसोलेशन था एसडीयू। आइसोलेशन में तो केवल हम लोग पॉजिटिव पेशेंट सिम्टोमेटिक को रखते थे, तो होम आइसोलेशन में रह रहा है। DCHC है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में, CC है, CCW देख रहे हैं, CCC कोविड केयर सेंटर है। अब तो सरकार निर्देश दे दी है जो माइल्ड टू मॉडरेट केस PSC में रहेगा, सब डिविजनल अस्पताल में रहेगा, केवल मेडिकल कॉलेज के में केवल सीरियस पेशेंट आवेंगे। अच्छा, अभी प्रेशर हो जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि दरभंगा के मरीज का कम होता है, लेकिन बाहर से आपको देखे नहीं, सहरसा वाले को हम एडमिट नहीं कर रहे हैं अभी भी। हम लोग अब दरभंगा अपने और समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, सुपौल, जो सरकार ने हमको टैग कर दिया है उससे अलग हम लोग मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और सहरसा का पेशेंट हम लोग निर्देश दे दिए हैं जो उनको नहीं एडमिट करो, जिस मेडिकल कॉलेज में वो अटैच्ड है वहाँ भेज दो। अच्छा, अगर सीरियस है तो ऑक्सीजन लगा के उनको भेज दो। एक समस्या ये भी आ रही है कि
जो मरीज हैं उनका अभी जो आईसीयू 6 आईसीयू आपका काम कर रहा है, कुछ वेटिंग होते हैं, तो उस परिस्थिति में कैसे? तो वहाँ ऑक्सीजन तो वहाँ भी एसडीयू में चलता है बाईपैप से सबको। देखिए ठीक है, आईसीयू में एकदम इनवेसिव आईसीयू पर सब नहीं रहता है, वहाँ भी ऑक्सीजन चलता है मास्क से, उसके बाद बाईपैप से नहीं होता है, नजल कैनुला से, सबका स्टेज है कि नहीं, जो जो वहाँ पेशेंट है वो ऑक्सीजन पर नहीं है, वो लोग भी ऑक्सीजन पर बच रहे हैं, और जो सीरियस है वो तो आईसीयू में जाने पर भी डेथ होता है, उनका वहां रहने पर भी डेथ होता है। तो अब क्या जनता को कहना चाहेंगे, क्योंकि एक चीज देखा जा रहा है, जनता को कहना चाहेंगे सब लोग केवल अब टेस्टिंग में भी देखिए रहे हैं जो क्या हो रहा है, इतना निगेटिव आता था अब तो पॉजिटिव आ रहा है, सब लोग आइसोलेट हो जाए, सब लोग अपने अपने कमरे में बंद रहे, बिना मतलब का नहीं निकले, तभी ये कोरोना जितना जल्दी होगा उसका सर्वनाश होगा। अच्छा, और लोग घूमते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे आपस में, इसके घर से उसके घर और उसके रिलेशन में, तो कोरोना फैलता। अच्छा, आप काफी अध्ययन किए हैं एक चीज, तो अभी ये किस तरह का सिम्टम लग रहा है कि पहले से ज्यादा नहीं, डिक्लाइन अब एक दो रोज में लग रहा है जो डिक्लाइन वे में है, और डिक्लाइन होगा अभी। हाँ होगा। तो हम बता दें, हमारे साथ दरभंगा डीएमसी के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा है, जो लगातार हर चीज पर नजर रखें और हमसे लगातार संपर्क में रहेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये कोरोना काफी संक्रमित है। धन्यवाद। हम फिर करते हैं उसको जो